हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो है ग्रिल का फ्रेम हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। ये हमने एक इंची पटिया पे जो ग्रिल का फ्रेम इसको कटिंग किया है, जो कि जो ग्रिल का फ्रेम जो लंबाई में रहता है वो जितना भी लंबाई है पूरा उसको फिक्स साइज काटते हैं। और जो इसकी जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई देखो, हम चौड़ाई जो लगा रहे हैं, चौड़ाई इसमें हमेशा अगर आप दो सूत की पत्ती लगा रहे हो तो उसको यानी चार सूत माइनस करते हैं, आधा इंच माइनस कर देते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि आप उसको चौड़ाई में जो है माइनस करें, अगर वो ग्रिल हो या फिर जो है रोशनदान हो तो उसको हम लोग चौड़ाई में माइनस करते हैं। तो देखिए, हमारी जो बना रहे हैं, हम ग्रिल बना रहे हैं, तो जो इसकी छोटी वाली पत्ती है वो हमने माइनस किया है चार सूत, और जो बड़ी वाली पत्ती है वो पूरी हाइट की काटते हैं। और इसके साथ जो रोशनदान रहता है तो रोशनदान का भी हम हाइट वाली पूरी ले लेते हैं। और जो अभी मैंने जो इस पे फ्रेम बनाया है वो फ्रेम ब्रेकर है, वो वीडियो देखने के लिए आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ से आप फ्रेम ब्रेकर की वीडियो पे आप जा सकते हैं, वहाँ से आप वो वीडियो मेरी वॉच कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद फिर इसमें हम लोग काट कोना जो है इसको जो है बराबर देख लेते हैं, ताकि ये राइट एंगल में है कि नहीं। अगर आप गोनिया से काटकोने से बनाते हैं तो वो थोड़ा ऐड जाता है, इसलिए हमेशा इसमें फीता लगा के इसकी काटकोना राइट एंगल से चेक करें। और इसके बाद इसको पलट के दोनों साइड से मार देते हैं, ताकि ये हमें बदगुनिया ना हो। इसके लिए फ्रेंड्स उसको हम लोग मार देते हैं। और इसमें हम लोग जो ग्रिल बनाएंगे वो 250 सरिया चौकोर जो आती है, चौकोर स्क्वायर बार, उसकी हम लोग इसके अंदर जो ग्रिल है वो भरेंगे। और ये देखिए जो ये रोशनदान है, तो इसकी हमने जो है चौड़ाई देखिए इसकी अंदर से है और लंबाई हमेशा बाहर से रहती है। ये रोशनदान है, इसको भी राइट एंगल में करके बना देते हैं। और फ्रेंड इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और हालांकि हम लोग पहले 18-4 की पत्ती में बनाते थे, तो अब वो क्योंकि माल हमेशा महंगा हो रहा है, कस्टमर बोल रहा है हल्का बना, तो इसके लिए हमेशा हैवी में बनाते हैं। अब हम लोग 1 इंची बनाते हैं।